अब आपको लिए चलते हैं इलाहाबाद, जो हमारे संवाददाता विनय हैं। विनय, क्या कुछ तस्वीरें इलाहाबाद और फूलपुर में क्या कुछ तस्वीरें बनती नजर आ रही हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पर जश्न का, जैसे कि वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि जश्न मनाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के लोग नारा दे रहे हैं कि बबुआ और भतीजा जिंदाबाद, मतलब कि साइकिल को हाथी की सवारी पसंद आई है, उसी को लेकर इस नारा दे रहे हैं। और ऐसे में 10वां राउंड हो चुका है मतगणना की, और जिसमें सपा के जो प्रत्याशी है नागेंद्र सिंह पटेल, ये 14,299 वोटों से बीजेपी कैंडिडेट कौशलेन सिंह पटेल से आगे चल रहे हैं। ऐसे में जो मुकाबला है वाकई में बहुत दिलचस्प मुकाबला है। और यहाँ पर ये देखा जाए ये भी कि जो बीजेपी है ये तरीके से यहाँ पर हारती हुई दिख रही है, और सपा जो है ये 14,000 मैंने लगातार जितने राउंड बढ़ रहे हैं उतने में ही प्लस पॉइंट होते जा रहा है सपा के खाते में। जी बने आप हमारे साथ, बने रहिए। लखनऊ लिए चलते हैं जहाँ संवाददाता राहुल मौजूद है। राहुल, किस तरीके से अब जमीनी स्तर पर जो नतीजे दिख रहे हैं वो अब क्या कुछ कहते हैं? क्या तस्वीर अब साफ होती नजर आ रही है या फिर बदलती नजर आ रही है? देखिए, आपको बता दें कि फूलपुर और गोरखपुर में जो फिलहाल की स्थिति है कि फूलपुर में 9वें राउंड के बाद 14,000 मतों से सपा के प्रत्याशी आगे हैं, और गोरखपुर में भी 4 राउंड के मतगणना पूरी हो चुकी है, उसमें 3,000 वोटों से सपा के प्रत्याशी आगे हैं। निश्चित तौर पर एक बड़ा उलटफेर होगा अगर समाजवादी पार्टी दोनों सीटों से जीतती है, क्योंकि जिस तरह से ये विक्ट्रीज घट कर 1 लाख के 1.5 लाख के आसपास आ जाएंगी, लेकिन हम आश्वस्त इसलिए हैं कि हम जीतेंगे यहाँ पर, जो कि जनता हमको जिताएगी। मार्जिन विक्ट्री का कम होगा, लेकिन जीत अंततः जो है वो भारतीय जनता पार्टी की होगी। कैबिनेट मंत्री मोहसिन रजा को आपने सुना, कहीं ना कहीं यहाँ पर जो विश्वास जताया जा रहा है कि अभी भी भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। राहुल, फिर से आपके पास आते हैं, क्या कुछ देखने को मिल रहा है वहां पर, क्या कुछ नतीजे अब निकलकर सामने आ रहे हैं? देखिए, फिलहाल जो नतीजे निकल कर सामने आ रहे हैं उसमें समाजवादी पार्टी दोनों सीटों पर आगे है। लोकसभा के उपचुनाव का जो रिजल्ट आ रहा है उसमें दोनों सीटों पर समाजवादी पार्टी आके, और काफी दिन बाद आज समाजवादी पार्टी कार्यालय पर चहल पहल देखी जा रही है, जश्न का माहौल बन रहा है, और उसके उलट वहीं बीजेपी कार्यालय पर फिलहाल अभी सन्नाटा है। जिस तरह से दोनों सीटों पर सपा के प्रत्याशी आगे हैं, फूलपुर में 14,000 वोटों से आगे हैं सपा प्रत्याशी, तो गोरखपुर में चौथे राउंड के जो मतगणना कंप्लीट हुई है उसके बाद 3,000 वोटों से आगे, कहीं ना कहीं जनता ने जिस तरह से वोट, इसी बीच एक बड़ी खबर भी आ रही है, रुकेंगे आपको राहुल यहाँ पर। फूलपुर से एसपी को बढ़त मिली है, समाजवादी पार्टी फूलपुर में आगे चल रही है, 14,299 वोट से समाजवादी पार्टी फूलपुर में फिलहाल आगे चल रही है, तो बड़ी खबर आपको बता दी। और समाजवादी पार्टी कार्यालय पर जश्न भी देखने को मिल रहा है। संवाददाता विनय लगातार हमारे साथ बने हुए इलाहाबाद से। विनय, क्या कुछ नतीजे देखने को मिल रहे हैं इलाहाबाद में, क्या कुछ साफ तस्वीर देखने को मिल रही है? जी, यहाँ पर मतगणना स्थल जो मुंडेरा मंडी है इसके बाहर सपा के जो समर्थक हैं वो ढोल नगाड़ों के साथ खड़े हैं, जश्न मना रहे हैं। और यहाँ पर साफ तौर से देखा जा रहा था जैसे पहले की ये दो फूलपुर और गोरखपुर ये दो सीटें एकदम बीजेपी के लिए बहुत ही अहम सीटें मानी जा रही थी, और 2019 का एक सेमीफाइनल भी था, वहीं दोनों पार्टियों की इसमें दाव फंसी हुई थी, चाहे वो हम सपा की बात करें चाहे वो हम बीजेपी की बात करें। बीजेपी के लिए ये एक 2019 का एक तरीके से सेमीफाइनल था, और सपा की बात अगर की जाए तो सपा यहाँ पर बीएसपी ने उनको समर्थन दिया है, और ऐसे में बीएसपी की भी इसमें दाव फंसी हुई थी कि आखिर ये समर्थन जो है ये कितना सशक्त होता है। तो फिलहाल अभी तो जो वोटों की जो रुझान है उस हिसाब से देखा जाए तो 14,299 से सपा कैंडिडेट आगे चल रहे हैं, तो अगर ऐसे में जीत अगर सपा की अगर हो जाती है तो बाकी में ये 2019 में बीजेपी को तगड़ा झटका देगा। विनय, समाजवादी पार्टी यहाँ पर आगे चल रही है, जश्न भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्या कुछ जश्न या कोई प्रतिक्रिया आ रही है इस बीच? नहीं, ऐसा भी अभी तक कुछ नहीं आ रहा है। मैंने यहाँ पर बीजेपी के जो भी प्रत्याशी हैं कौशलेन सिंह पटेल, मैंने उनसे भी बात करी तो उन्होंने बोला कि अभी काफी राउंड बाकी है, ये तो अभी शुरुआती है और आखिरी में ही जो पल्ला है वो पलटेगा, मगर अब दिलचस्प ये होगा कि अब देखना ये होगा कि अब कितनी जल्दी बीजेपी के खाते में प्लस पॉइंट होता है या बाकी में सपा की ही जो बढ़ोतरी जिस तरीके से हो रही है हर राउंड में या उसी तरीके से बढ़ता चला जाएगा। जी विनय, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। संवाददाता राहुल भी लगातार जुड़े हुए हैं। राहुल, अब जो यहाँ समाजवादी पार्टी कार्यालय पर जश्न देखने को मिल रहा है, और क्या ये तस्वीर वाकई पलटती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कम से कम गोरखपुर में तो उम्मीद यही थी कि बीजेपी ही आगे चल रही होगी। कमिश्नर से मैंने शिकायत कर दी है, डीएम से भी बात की, आरओ से मेरी बात की,
इसमें कोई दोनों जगह लीड कर रहे हैं और दोनों जगह आप जीतेंगे। लेकिन फुलपुर में तो आपकी जीत तय लग रही है, गोरखपुर में लगातार आगे बढ़ रहे हैं, क्या कहेंगे इस गठबंधन जीत का श्रेय किसको देंगे? हमें लगता है गोरखपुर में लीड ज्यादा होगी। डीएम का रवैया रहा है, गिनती उन्होंने बता नहीं रहे कितने वोट हुए, 9 राउंड तक पहले राउंड की गिनती बता रही है। मेरी अभी बात हुई थी टेलीफोन पे, तो उन्होंने कहा कि एक ऑब्जर्वर उसमें बहुत चलो काम कर रहे हैं जिसकी वजह से हमें दिक्कत आ रही है, उन्होंने ये एक्सप्लेनेशन दिया। क्या बीएसपी का गठबंधन काम कर रहा है? बिल्कुल काम न कर रहा होता तो ये रिजल्ट जैसा के वहाँ सर। मैं अभी आता हूँ, ठीक भाई। आपको बता रहे हैं और आपने देखा भी किस तरीके से समाजवादी पार्टी भी आश्वस्त कर रही है कि यहाँ पर जो गठबंधन है वो काम कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर बढ़त भी समाजवादी पार्टी की हो रही है। राहुल लगातार बने हुए हैं। राहुल, आपसे सवाल यही था कि जिस तरीके से तस्वीर आप देखने को मिल रही है, क्या तस्वीर नतीजों में बदलेगी या तब्दील होगी? देखिए, निश्चित तौर पर मैं उसी बात को बता रहा था कि आज़ादी के बाद फूलपुर में जीती थी जिस तरह से समाज। और इस बीच एक और बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। योगी के गोरखपुर से बीजेपी कहीं ना कहीं पीछे है। बीजेपी प्रत्याशी उपेंद्र दत्त शुक्ला 4000 मतों से पीछे चल रहे हैं, तो जहां कह रहे थे गोरखपुर में कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा का सवाल खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए था, वहां पर भारतीय जनता पार्टी फिलहाल 4000 मतों से पीछे चल रही है। बीजेपी प्रत्याशी उपेंद्र दत्त शुक्ला इस समय पीछे चल रहे हैं और गोरखपुर में भी समाजवादी पार्टी आगे चल रही है, बढ़त बनाकर समाजवादी पार्टी यहाँ पर नजर आ रही है। तो बीजेपी प्रत्याशी उपेंद्र दत्त शुक्ल 4000 मतों से पीछे चल रहे हैं। अपडेट लगातार हम आपको बता रहे हैं, गोरखपुर और फूलपुर दोनों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पिछड़ रही है, समाजवादी पार्टी आगे चल रही है, बढ़त बनाकर रखा है समाजवादी पार्टी ने। ऐसे में जिस तरीके से कहा जा रहा था प्रतिष्ठा का सवाल है, वो सवाल अब कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा होता नजर आ रहा है। और लगातार आपको हम अपडेट भी बता रहे हैं, चाहे वो योगी के प्रतिष्ठा के सवाल हो, चाहे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का सवाल हो, दोनों ही जगहों पर भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अब पीछे होते हुए नजर आ रही है। हालांकि नतीजे आने में थोड़ा सा समय है, उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन अभी तक के जो नतीजे आ रहे हैं, जो मतगणना हो रही है, उसके मुताबिक फूलपुर में समाजवादी प्रत्याशी नागेंद्र पटेल आगे चल रहे हैं। और इसमें अब स्थिति इस प्रकार है, 5वें राउंड के गिनती के एंड में 5वें राउंड में भी सपा आगे कुल आगे कुल वोट्स पोल्ड 151,547, जिसमें भाजपा के कैंडिडेट को 70,317, समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को 74,077, कांग्रेस को 3,084, अवधेश निषाद को 393, गिरीश नारायण पांडे को 272, नरेंद्र कुमार मेहता को 266, मालती देवी को 445, राधेश्याम सेहरा को 357, विजय कुमार राय को 297, सर्वन कुमार निषाद को 566 और नोटा में 1473। कुल वोट पोल्ड 151,547। डिफरेंस 70,317 है, इसको माइनस करना पड़ेगा। डीएम सर, व्हाई इट इज टेकिंग टू मच टाइम, बिकॉज़ एवरीवेयर वी आर सीइंग द ट्रेन दैट कमिंग आउट फॉर हियर। और आप लोग को अनुमति है, पूरा काउंटिंग एजेंट का जितना स्पेस है पांचों एसीज में आप जाके अपना शूट कर सकते हैं। केवल इलेक्शन कमीशन के ये आदेश हैं कि जहां ईवीएम्स सर्कुलेशन में है वहां पर आप अलाउड नहीं है, यू आर ओपन टू गो। और यहां पर आप देख रहे हैं ऑब्जर्वर सामने बैठे हैं दोनों, अभी अभी दोनों ऑब्जर्वर्स ने 5वें राउंड की शीट साइन की है। दैट्स एग्जैक्टली द क्वेश्चन सर, बिकॉज़ वी आर हैविंग द ट्रेंड्स फ्रॉम डिफरेंट रिस्पेक्टिव सीट्स, दैट 11th राउंड, 12th राउंड, हियर व्हाई द इंफॉर्मेशन हैज रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू द 5th राउंड। देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ डिफरेंट पीपल एक्टिंग, एंड बिकॉज़ एआरओस जब अपनी शीट दे देते हैं तो वो बहुत माइन्यूटली एग्जामिन होती हैं ऑब्जर्वर्स के द्वारा, इट इज इन द हैंड ऑफ द ऑब्जर्वर्स। ऑब्जर्वर सामने बैठे हैं अपना काम कर रहे हैं, जैसे ही वो शीट साइन कर देते हैं मैं आपके बीच में आके आपको राउंड की सूचना देता हूँ। देरी को लेकर विधानसभा संसद में हंगामा हो गया है, जिसमें जो इन्फॉर्मेशन छुपाया जा रही है। तो बता दें, आपको लगातार अपडेट भी दे रहे हैं, समाजवादी पार्टी फिर आगे चल रही है, योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर से बीजेपी पिछड़ रही है, यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संसदीय क्षेत्र से भी गोरखपुर पीछे चल रही है।
तो केशव प्रसाद मौर्य के फूलपुर से भी बीजेपी पीछे है, यानी कि दोनों ही सीटों पर समाजवादी पार्टी आगे चल रही है, सपा आगे निकल रही है और फूलपुर में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी कहीं ना कहीं आगे चल रहे हैं। और ये तस्वीरें आप कुछ न कुछ बदलती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से प्रतिष्ठा को जोड़कर देखा जा रहा था, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5 बार यहाँ सांसद भी चुने जा चुके हैं, उसको देखकर अगर देखा जा रहा था तो ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि यहाँ पर शायद बीजेपी आगे रहे कम से कम, लेकिन वहां पर भी तस्वीर कुछ बदली बदली नजर आ रही है और समाजवादी पार्टी फूलपुर और गोरखपुर दोनों ही जगहों पर, दोनों ही सीटों पर आगे चल रही है। अब भी आपने अभी देखा कुल 151,547 मतों में बीजेपी को 70,317, समाजवादी पार्टी को 74,077 और कांग्रेस को 3,084 मत मिले हैं। यह अपडेट हमने आपको बताया। बीजेपी प्रत्याशी उपेंद्र दत्त शुक्ल यहां आगे चल रहे हैं, समाजवादी पार्टी आगे चल रही है और बीजेपी के दोनों ही प्रत्याशी दोनों ही सीटों पर फिलहाल पीछे नजर आ रहे हैं। अब सीधे आपको गोरखपुर ले चलते हैं, जहां हमारे संवाददाता विक्रांत मौजूद हैं। विक्रांत, अब क्या कुछ तस्वीर है, क्योंकि समाजवादी पार्टी तो अब जश्न मना रही है, बीजेपी की क्या कुछ प्रतिक्रिया है? बीजेपी के लोग कहीं ना कहीं सक्के में हैं। ऐसा हम लोग के होश में 20-30 सालों में पहली बार हुआ है कि जब रुझानों में भी बीजेपी पीछे गई है, ऐसा पहली बार हुआ है। और अभी जो 7वें राउंड का सपा अनौपचारिक रूप से बता रही है उसके हिसाब से करीब 9,672 वोट पे बीजेपी पीछे है, और जो डीएम साहब की घोषणा है अभी 5वें राउंड की उसमें करीब बीजेपी 4,000 वोटों से पीछे चल रही है। जी विक्रांत, आप लगातार वहां पर बने हुए जमीनी स्तर पर देख रहे हैं, जिस तरीके से लगातार नतीजे आ रहे हैं, रुझान आ रहे हैं, बीजेपी पीछे चल रही है, लेकिन अगर हम गोरखपुर की बात करें, वहां तो बीते कई सालों से बीजेपी का वहां दबदबा बना हुआ था, वहां पर क्या वजह रही है कि बीजेपी पीछे चल रही है? जी देखिए, दो फैक्टर है यहाँ। आप एक तरह से कह सकते हैं योगी आदित्यनाथ मंदिर मठ और भगवान, उनको जनता भगवान के रूप में मानती थी और उस हिसाब से उनको वोट मिलते थे, इसमें जातिगत समीकरण नहीं होता था। और इस बार रुझानों को देख के यही लगता है कि सपा ने जो जातिगत समीकरण बैठाया वो कहीं ना कहीं काम किया और मंदिर से बीजेपी प्रत्याशी न होने का नुकसान बीजेपी प्रत्याशी को हुआ और वो कहीं ना कहीं पीछे चल रहा है। जी विक्रांत, लेकिन जिस तरीके से अभी रुझान आ रहे हैं और सपा बसपा गठबंधन कहीं ना कहीं काम करती हुई नजर आ रही है, ऐसे में तो 2019 में बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी होंगी। जी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी होगी। और अभी तक जो अनौपचारिक रूप से गठबंधन समर्थन कर सकते हैं तो समर्थन हुआ था, वो गठबंधन में बदलेगा अगर रिजल्ट पॉजिटिव आते हैं तो वो गठबंधन में बदलेगा। बिल्कुल जी विक्रांत, लेकिन जो तस्वीरें हम लगातार देखने को हमें मिल रही है, चाहे वो फूलपुर की बात करें चाहे गोरखपुर की बात करें, दोनों ही सीटों पर फिलहाल समाजवादी पार्टी आगे चल रही है, क्या ये तस्वीरें अब बदल सकती हैं? क्या नतीजों में थोड़ा सा जो रुझान आ रहे हैं थोड़ी देर बाद वो बदले जा सकते हैं? जी हाँ, अभी 20-25 राउंड बचे हैं, लेकिन जहां तक सूत्र हमारे बताते हैं कि करीब 9 राउंड तक की मतगणना हो चुकी है। सूत्रों के हिसाब से करीब बीजेपी समाजवादी पार्टी करीब 15,000 वोटों से आगे है जी, तो ये निर्णायक बढ़त है अगर सूत्रों की माने तो। जी विक्रांत, आप जमीनी स्तर पर वहां पर देख रहे हैं किस तरीके से लगातार नतीजे भी आ रहे हैं और गोरखपुर और फूलपुर दोनों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पीछे चल रही है, ऐसे में क्या बीजेपी की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया आ रही है? क्योंकि जिस तरीके से हमने तमाम नेताओं मंत्रियों की हमने बातें भी सुनी, अभी भी आश्वासित है कि वही जीतेंगे वहां? जी नहीं, ऐसा नहीं है। अभी तक आपको बताए कि बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं उपेंद्र दत्त शुक्ला अभी मतगणना स्थल पर ही नहीं आए हैं, उन्हें 11 बजे तक उनको आना था यहाँ, लेकिन अभी तक हमें लगता है पीछे चलने के कारण वो मतगणना स्थल पर नहीं आए। चलिए सीबीएस, एक बड़ी खबर भी आ रही है, रुक कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के उपचुनावों में बीजेपी को झटके लग रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर से भारतीय जनता पार्टी पिछड़ रही है, समाजवादी पार्टी अभी भी बढ़त बनाए हुई है। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर, और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से देखा जा रहा है दोनों ही सीटों पर, योगी आदित्यनाथ के क्षेत्र की बात करें गोरखपुर, चाहे उप मुख्यमंत्री के क्षेत्र की बात करें फूलपुर, दोनों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पीछे चल रही है और समाजवादी पार्टी अभी बढ़त बनाए हुए है। गोरखपुर से सपा उम्मीदवार आगे चल रहे हैं और केशव प्रसाद मौर्य के फूलपुर से भी बीजेपी अभी पीछे चल रही है। लगातार अपडेट आपको हम लगातार दे रहे हैं। फूलपुर में सपा प्रत्याशी
14,299 वोट से आगे है। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में बीजेपी को झटके लग रहे हैं। जिस तरीके से काउंटिंग्स लगातार बढ़ती जा रही है, नतीजे धीरे धीरे साफ होते जा रहे हैं। ऐसे में ये भी साफ हो रहा है कि दोनों ही सीटों पर बीजेपी की प्रत्याशी कहीं ना कहीं पिछड़ रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी उपेंद्र दत्त शुक्ल को 9,000 वोट मिले हैं। गोरखपुर में सपा उम्मीदवार को 9,000 वोटों से बढ़त मिली है। 9,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य के फूलपुर से भी बीजेपी पीछे चल रही है। अपडेट लगातार आपको दे रहे हैं। फूलपुर में सपा प्रत्याशी नागेंद्र सिंह पटेल 14,299 वोट से आगे। उत्तर प्रदेश के उपचुनावों में बीजेपी को लगातार झटके मिल रहे हैं। और जो हम आपको मतगणना के अलग अलग राउंड के रुझान भी बता रहे हैं, नतीजे बता रहे हैं, उसके मुताबिक समाजवादी पार्टी दोनों ही सीटों पर आगे चल रही है और सपा बसपा गठबंधन यहां काम करता हुआ नजर आ रहा है। जो जातीय वोट यहां पर वोट बैंक को साधने की कोशिश की गई थी, वो जातीय वोट बैंक यहां काम करता हुआ नजर आ रहा है और दोनों ही सीटों पर बीजेपी पीछे। विक्रांत लगातार हमारे साथ बने हुए। विक्रांत, अभी हमने नतीजे फिर देखे, अपडेट देखा, फिर से समाजवादी पार्टी दोनों ही सीटों पर आगे है और बीजेपी फिर पिछड़ती हुई नजर आ रही है। स्टूडियो में राजनीतिक विश्लेषक एके मिश्रा जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। एके मिश्रा जी, जिस तरीके से ये जश्न मनाया जा रहा है समाजवादी पार्टी कार्यालय पर, क्या ये जश्न की जो तस्वीर है, क्या ये नतीजों में अब तब्दील होगी? देखिए, 11 तारीख को भी हम लोगों ने बोला था, सबसे इंटरेस्टिंग जो है अगर स्ट्रेटजिक वे में एनालिसिस करने के लिए देखा जाए तो वो फूलपुर सीट थी। फूलपुर सीट से अब हमें ऐसा लगता है कि डेफिनेटली अगर लास्ट तक भी देखेंगे, वहाँ पे सारे समीकरण, सारे डायनामिक्स और सारे फोर्सेस कंबाइंड वे में जो एक इलेक्शन में काम करते हैं वो सपा के पक्ष में जाएंगे, ऐसा हमें लग रहा है और हमने पहले भी बोला था। रही बात गोरखपुर सीट की, तो गोरखपुर सीट योगी आदित्यनाथ, मैं इंडिविजुअली योगी आदित्यनाथ की बात कर रहा हूँ, वो उनका एक गढ़ रहा है, वो कभी हारे नहीं है। हालांकि सपा की सीट्स अभी जो है बढ़ रही हैं, वोट बढ़ रहे हैं, लेकिन चूंकि ये पांचवा या छठा राउंड था, आपने शुरू में देखा होगा दोनों सीटों पे बीजेपी आगे चल रही थी शुरू के जो राउंड्स हुए थे, फिर उसके बाद ये नतीजे जो है चेंज होने शुरू हुए। तो गोरखपुर के बारे में मैं बोलता हूँ कि थोड़ा हमें अभी और इंतज़ार करना चाहिए, हो सकता है कि जो ये रुझान अभी दिखाई दे रहे हैं, जो काउंटिंग के रिजल्ट्स आए हैं, इसमें कुछ फेरबदल हो। लेकिन फूलपुर के लिए डेफिनेटली वहाँ पे सारी चीज़ें ऐसी फेवरेबल हैं, जो समीकरण आज बने या जो स्ट्रेटजी बनी, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे शुरू से ही ये जो है इस तरफ झुकाव मेरा ज़्यादा ही रहेगा कि समाजवादी पार्टी अल्टीमेटली उसको विन करना चाहिए। जी एके मिश्रा जी, लेकिन अमूमन ऐसा हमने देखा है, गोरखपुर अगर क्षेत्र की बात की जाए तो गोरखपुर में रुझानों में भी बीजेपी कभी पीछे नहीं रही है, लेकिन इस बार रुझानों में देखा गया बीजेपी पीछे। कहीं ना कहीं जो सपा बसपा गठबंधन है, जो बुआ बबुआ का साथ है, वो काम तो कर रहा है ना? देखिए, उसका एक हमने 11 तारीख को भी इस क्वेश्चन का आंसर दिया था कि जो बाई इलेक्शंस होते हैं और उसके साथ साथ जो मेन इलेक्शन स्टेट्स या उसके होते हैं, दोनों के डायनामिक्स एकदम टोटली डिफरेंट होते हैं। अब आप ये देखिए, बाई इलेक्शंस जो होता है वो बहुत ही प्योरेस्ट फॉर्म होता है इलेक्शंस का, यानी कि कोई जो आर्टिफिशियल जो इक्विपमेंट्स होते हैं, टूल्स एंड टेक्निक्स होते हैं, उसके द्वारा जनता के ऊपर कोई प्रभाव होता नहीं। नेशनल लेवल पे आप मीडिया का यूज करते नहीं हो, जो कुछ करना है आपको अपने जो है कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही करना है। तो यहाँ पे जो रिजल्ट होता है वो जो लोकल समीकरण होते हैं, जैसे कैंडिडेट के अपने रिलेशन हो गए, दो जो है पार्टियों के लोग या कैंडिडेट मिल गए, तो ये एक बहुत बड़ी चीज होती है। अगर दो पार्टियों के लोग मिल गए तो सिंपल 1+1=2 होता है, लेकिन यहाँ पे पॉलिटिक्स में ये 11 हो जाता है, 1+1=11 का फॉर्मूला आ जाता है। तो ये जो गोरखपुर में आपको दिख रहा है तो वो यहाँ पर है, क्योंकि इनका देखिए जातिगत वोट या ट्रेडिशनल वोट बैंक अगर आप देखेंगे। अच्छा, अब गोरखपुर की एक चीज और है, नेशनल लेवल पे आप कोई मुद्दा उठा नहीं पाते हो। मैंने बोला है कि ये इलेक्शंस बड़े ही नेचुरल और रिस्ट्रिक्टेड वे में होते हैं। अब अगर योगी आदित्यनाथ जी के साथ यहाँ पे क्या नहीं रहेगा उनकी। गोरखपुर से हिंदी खबर की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है, हिंदी खबर की खबर का एक बार फिर बड़ा असर हुआ है। गोरखपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहाँ गोरखपुर में डीएम ने संज्ञान लिया है और मीडिया को अंदर जाने की अब अनुमति दी गई है। मीडिया कर्मियों को पहले मतगणना केंद्र के अंदर जाने की इजाजत नहीं थी, लेकिन जब हिंदी खबर ने डीएम से बात की और इस बात पर हिंदी खबर ने बार बार इस खबर को दिखाया, उसके बाद डीएम ने मतगणना केंद्र के अंदर मीडिया कर्मियों को जाने की अनुमति दी है। तो हिंदी खबर की खबर का एक बार फिर बड़ा असर हुआ है।
गोरखपुर के डीएम ने मतगणना केंद्र में मीडिया कर्मियों को अंदर जाने की इजाजत दी है। अब मीडिया कर्मी अंदर भी जा रहे हैं, अंदर जा सकते हैं और वहां से लगातार अपडेट हम तक पहुंचा सकते हैं। पूरा काउंटिंग एजेंट का जितना स्पेस है पांचों एसीज में आप जाके अपना शूट कर सकते हैं। केवल इलेक्शन कमीशन के ये आदेश हैं कि जहां ईवीएम्स सर्कुलेशन में हैं वहां पर आप अलाउड नहीं हैं, यू आर ओपन टू गो। और यहां पर आप देख रहे हैं ऑब्जर्वर सामने बैठे हैं दोनों, और आप लोग को अनुमति है पूरा काउंटिंग एजेंट का जितना स्पेस है पांचों एसीज में आप जाके अपना शूट कर सकते हैं। केवल इलेक्शन कमीशन के ये आदेश हैं कि जहां ईवीएम्स सर्कुलेशन में हैं वहां पर आप अलाउड नहीं हैं, यू आर ओपन टू गो। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑब्जर्वर सामने बैठे हैं दोनों। तो गोरखपुर में हिंदी खबर की खबर का असर आपने देखा। कुछ देर पहले डिबेट में हिंदी खबर के प्रधान संपादक अतुल अग्रवाल ने उनसे बातचीत की थी और ये पूछा था कि क्यों मीडिया कर्मियों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, जिसके बाद डीएम ने मतगणना केंद्र के अंदर मीडिया कर्मियों को जाने की इजाजत दी है और हिंदी खबर की खबर का एक बार फिर बड़ा असर होता हुआ नजर आया है। गोरखपुर में डीएम ने मतगणना केंद्र के अंदर मीडिया कर्मियों को जाने की इजाजत दी है। तो मीडिया कर्मी अब मतगणना केंद्र में जा सकते हैं और वहां से जो लगातार अपडेट है वो हम तक पहुंचा सकते हैं। पहले अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था, लेकिन जब हिंदी खबर ने ये सवाल पूछा कि क्यों मीडिया कर्मी अंदर नहीं जा सकते हैं, उसके बाद डीएम ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया है। खबर पर और जानकारी के लिए संवाददाता विक्रांत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विक्रांत, जिस तरीके से मीडिया कर्मियों को पहले मतगणना केंद्र के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था और अब हिंदी खबर की खबर का बड़ा असर हुआ है। हाँ, आपको बताएं कि अब बारी बारी से एक एक करके अंदर भेजा जा रहा जी, फोटो वीडियो बनाने दिया जा रहा। और दूसरी चीज एक चीज और हिंदी खबर की खबर का बड़ा असर हुआ है कि अब डीएम तुरंत तुरंत निकल के सूचनाओं का आदान प्रदान कर रहे हैं जी। हर 10 मिनट में डीएम साहब एक बार बाहर आ रहे हैं और सूचनाओं का आदान प्रदान कर रहे हैं और छठे राउंड तक पहुंच गए हैं। पहले मीडिया कर्मियों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था, क्या कुछ वजह थी इसके पीछे? उसके पीछे कोई वजह नहीं पता चला, वो नॉर्मली सुरक्षा की दृष्टि से ये कहे कि अंदर नहीं जाना है मीडिया को, लेकिन अब एक एक करके अंदर जाने दे रहे हैं जी। विक्रांत, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। लेकिन बड़ी खबर आपको बता दें, गोरखपुर में हिंदी खबर की खबर का एक बार फिर बड़ा असर हुआ है। डीएम ने मतगणना केंद्र के अंदर पहले मीडिया कर्मियों को जाने की इजाजत नहीं दी थी, लेकिन जब हिंदी खबर ने ये सवाल पूछा कि क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है, हिंदी खबर ने ये खबर चलाई, उसके बाद बड़ा असर हिंदी खबर की खबर का हुआ है और डीएम ने मतगणना केंद्र के अंदर मीडिया कर्मियों को जाने की इजाजत दी। अब आपको सुनाते हैं कि आखिर डीएम ने क्या कुछ कहा था। और आप लोग को अनुमति है पूरा काउंटिंग एजेंट का जितना स्पेस है पांचों एसीज में आप जाके अपना शूट कर सकते हैं। केवल इलेक्शन कमीशन के ये आदेश हैं कि जहां ईवीएम्स सर्कुलेशन में हैं वहां पर आप अलाउड नहीं हैं, यू आर ओपन टू गो। और यहां पर आप देख रहे हैं ऑब्जर्वर सामने बैठे हैं दोनों, और आप लोग को अनुमति है पूरा काउंटिंग एजेंट का जितना स्पेस है पांचों एसीज में आप जाके अपना शूट कर सकते हैं। केवल इलेक्शन कमीशन के ये आदेश हैं कि जहां ईवीएम्स सर्कुलेशन में है वहां पर आप अलाउड नहीं हैं, यू आर ओपन टू गो। और यहां पर आप देख रहे हैं ऑब्जर्वर सामने बैठे हैं दोनों, और आप लोग को बीजेपी नेता लक्ष्मीकांत बाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लक्ष्मीकांत जी, जो रुझान हम देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी दोनों ही सीटों पर पीछे चल रही है, अब क्या विकल्प है आप लोगों के पास, अब क्या करेंगे? नहीं करेंगे क्या, अगर कोई विपरीत परिणाम आएगा तो जनता के निर्णय को स्वीकार करेंगे, समीक्षा करेंगे, आगे बढ़ेंगे। लेकिन जी मैं ये जानकारी मुझे नहीं है जो मैं फाइनल कोई कमेंट आपको दे सकूं जी, कि कुल कितना वोट पड़ा था और कितने वोट की गिनती हो गई जी, और कितनी गिनती बाकी है जी, तो उसके आधार पर डिपेंड करेगा। मान लो कोई 5,000 से 10,000 से पीछे है और 2 लाख वोट 1.5 लाख वोट की गिनती बाकी है अगर, तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता जी। लक्ष्मीकांत जी, लेकिन अब इसको आप बुआ और बबुआ का जो गठबंधन हुआ था उसे अब ये मानेंगे कि वो कारगर साबित हुआ 2019 में बीजेपी के लिए राह मुश्किल हो गई है? अभी काल्पनिक प्रश्न है, अंतिम परिणाम आने के बाद इस पर कोई कमेंट करना उचित होगा जी। लेकिन जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं, रुझानों के मुताबिक कहीं ना कहीं नतीजे भी आ सकते हैं, इस रुझान के मुताबिक राजनीति में कोई चीज भी असंभव नहीं है जी। लेकिन मैंने कहा ना कि अभी पता नहीं कितना वोट काउंटिंग के लिए बाकी है जी, इसलिए कोई फाइनल कमेंट देना
उचित नहीं है जी। लक्ष्मीकांत जी, लेकिन हम आपसे पूछना ये चाह रहे हैं कि अगर ये रुझान नतीजों में तब्दील होते हैं तो क्या आप इस बात को मानेंगे कि 2019 में बीजेपी की राह मुश्किल हो जाएगी? अभी अभी ये काल्पनिक प्रश्न है और उपचुनाव के परिणाम से 2019 के परिणाम की कल्पना करना तो और भी काल्पनिक है। बहुत लंबा समय बाकी है, परिस्थिति रणनीति और कूटनीति में परिवर्तन होकर हम इसमें चीज को नुकसान को कवर भी कर सकते हैं यदि होगा तो। जी लक्ष्मीकांत जी, अगर हम गोरखपुर की बात करें चाहे फूलपुर की बात करें, दोनों ही जगहों पर, दोनों ही सीटों पर बीजेपी की प्रतिष्ठा दांव पर थी। ऐसे में दबदबा होने के बावजूद भी गोरखपुर में अगर बीजेपी आगे फिलहाल नहीं चल रही, इसके पीछे आप वजह क्या कुछ मानेंगे? हर चुनाव में हर पार्टी की प्रतिष्ठा दांव पर लगती है जी। परिणाम आने के बाद निर्णय होगा कि जनता ने किसके विषय को स्वीकार किया और किसको रिजेक्ट किया। जी बहुत शुक्रिया लक्ष्मीकांत जी आपका हिंदी खबर से बातचीत के लिए। तो जिस तरीके से अभी दोनों ही सीटों पर रुझान आ रहे हैं, उस पर भारतीय जनता पार्टी कुछ भी अभी कहने से बच रही है। जिस ढंग से सब लोगों के सहयोग से बहुत अच्छे प्रेम पूर्वक सद्भावपूर्ण माहौल में हुआ है, उसी तरह का यहाँ पे पूरी तरह से पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ और सही ढंग से जो निर्वाचन आयोग की गाइडलाइंस है और जो नॉर्म्स है उसके अनुसार समुचित ढंग से इसको संपन्न करा दिया जाएगा। सर, कौन लोग थे आपसे जो मिलने आए थे? किस पार्टी से थे? समाजवादी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव आए थे और बसपा के किसी दूसरे काम में बसपा के प्रदेश अध्यक्ष आए मेरे पास। इलाहाबाद से संवाददाता विनय हमारे साथ बने हुए हैं। विनय, जिस तरीके से अब रुझान भी हम देख रहे हैं, दोनों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पीछे चल रही है, समाजवादी पार्टी बसपा गठबंधन आगे चल रही है, ये तस्वीर हम देख रहे हैं, क्या चुनाव के नतीजों तक इसमें बदलाव आएगा? संपर्क हमसे नहीं बन पाया, लेकिन लगातार हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे और आपको लगातार बता भी रहे हैं कि इस तरीके से गोरखपुर में छठे राउंड के बाद 7139 वोटों का यह अंतर देखने को मिला है। बीजेपी दोबारा से पिछड़ी नजर आ रही है, जितने राउंड की वोटिंग लगातार बढ़ती जा रही है फिर भी बीजेपी यहाँ पीछे चल रही है। उत्तर प्रदेश के उपचुनावों में बीजेपी को लग रहे हैं बड़े झटके। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर, बीजेपी वहां पर भी पिछड़ी नजर आ रही है। गोरखपुर से सपा उम्मीदवार प्रवीण निषाद को 7136 वोट मिले हैं और बीजेपी प्रत्याशी उपेंद्र दत्त शुक्ल फिलहाल 9000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। बड़ी खबर आपको लगातार बता दें, दोनों ही सीटों पर फिलहाल समाजवादी पार्टी आगे चल रही है और उत्तर प्रदेश के उपचुनावों में बीजेपी को झटके लग रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की गोरखपुर में बीजेपी फिलहाल पिछड़ी नजर आ रही है। गोरखपुर से सपा उम्मीदवार प्रवीण निषाद 7136 वोटों से आगे चल रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी उपेंद्र दत्त शुक्ला 9000 वोटों से फिलहाल पीछे चल रहे हैं। तो दोनों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी फिलहाल पिछड़ी नजर आ रही है और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। वही कांग्रेस नेता नसीबुद्दीन सिद्दीकी से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की, आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। काउंटिंग चल रही है गोरखपुर में भी और फूलपुर में, कभी सपा आगे हो रही है, कभी भाजपा आगे हो रही है, किस तरीके से देखते हैं सर, किस तरीके से फाइट देख रहे हैं? देखिए अभी तो अर्ली है और कांग्रेस पार्टी ने वहाँ अच्छा किया है, हमें भरोसा है कि कांग्रेस पार्टी इम्प्रूव करेगी। जी बिल्कुल, तो ये थे नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी जिनका साफ ही कहना था कि जो उपचुनाव हो रहे हैं उनमें अभी काउंटिंग चल रही है और चीज़ें ऊपर नीचे हो रही हैं उसी के अकॉर्डिंगली, मगर कांग्रेस ने अच्छा किया है वहाँ पर और रिजल्ट जरूर अच्छा आएगा। कैमरा पर्सन शुभम उपाध्याय के साथ मैं विक्रम राठौर, हिंदी खबर, लखनऊ। तरीके से यहाँ पर कांग्रेस भी अभी ये दावा कर रही है कि वो भी अच्छा रिजल्ट यहाँ पर दिखाएगी और कांग्रेस की तरफ से भी अभी ये आश्वस्त किया जा रहा है कि अभी नतीजे नहीं आए हैं, लेकिन नतीजे आने के बाद कहीं ना कहीं ये साफ हो जाएगा कि आखिर जीत किसकी होगी और किसने यहाँ पर फतेह हासिल की है। और लगातार बड़ी खबर भी आपको बता रहे हैं, अपडेट लगातार दे रहे हैं, फूलपुर संसदीय क्षेत्र में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। 11वें राउंड की काउंटिंग फूलपुर में पूरी हो गई है। फूलपुर संसदीय सीट पर सपा की बढ़त बरकरार है, बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं।
दोनों ही सीटों पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र जी, जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं बीजेपी और समाजवादी पार्टी बसपा गठबंधन को हम देख रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का तो नाम ही नहीं आ रहा, बहुत पीछे। देखिए, आज की डेट में स्पष्ट रूप से, रणनीतिक रूप से प्रतिपक्ष जीत रहा है दोनों जगह पर चुनाव, और गोरखपुर में जिस प्रकार से शासन प्रशासन अंधभक्ति दिखा रहा है योगी सरकार प्रशासन की, मैं राजीव रौतेला को चेतावनी देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि वो सरकार के, संविधान के और देश की जनता के नौकर हैं, भाजपा के नौकर बनने की गलती ना करें वरना जनता उन्हें सबक सिखाएगी। इस वक्त प्रतिपक्ष चुनाव जीत रहा है, हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है और यही रणनीतिक विजय है। सुरेंद्र जी, लेकिन आपको ये लगता है कि अगर सपा बसपा के साथ आप लोग भी गठबंधन कर लेते तो कहीं ना कहीं फायदे में रहते? अब वो क्या होता क्या नहीं होता, जब बुआ के मुँह से होती तभी तो आप उसको चाचा कहते ना। हो सकता है कि अगर हम लोग गठबंधन करते तो ये लोग चुनाव को हिंदू मुसलमान बनाने में कामयाब हो जाते। तमाम तरह की राजनीति में अंकगणित नहीं चलती है, बहुलतावादी लोकतंत्र है, बहुदलीय व्यवस्था है, हर दल को चुनाव लड़ने का अधिकार है। हम इस वक्त समाजवादी पार्टी के प्रति कोई बेईमानी ना हो इसके लिए संकल्प है और लोकतंत्र के, लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने के लिए संकल्प। सुरेंद्र जी, लेकिन जिस तरीके से दोनों ही सीटों पर देखा जाए बीजेपी पीछे चल रही है, सपा बसपा गठबंधन आगे चल रही है, इसके पीछे आप क्या कुछ वजह मानेंगे कि बीजेपी जहां प्रतिष्ठा का सवाल था वहां पर भी बीजेपी पीछे चल रही है जहां उसका दबदबा बना हुआ था? ये बात भारतीय जनता पार्टी के उन बड़े नेताओं से, मनभर नेताओं से पूछनी चाहिए जो अपने आप को मोदी जी की चारणगिरी में लगाए हुए हैं और जनता से, अपने आप से बिल्कुल कट गए हैं। जनता के दुख दर्द की उन्हें परवाह नहीं है, उन्हें सिर्फ नरेंद्र मोदी की भक्ति ही दिखाई दे रही है, जनता ने उन्हें उचित जवाब दिया है। ठीक है, ये हम पूछ लेंगे बीजेपी के नेताओं से, लेकिन कांग्रेस क्यों पीछे चल रही है इसका जवाब शायद आप दे सकते हैं। मैंने तो कहा ना कि इस वक्त रणनीति के तौर पर जनता ने प्रतिपक्ष को चुना है और प्रतिपक्ष के रूप में समाजवादी पार्टी के लोग उनको लड़ते दिखाई दे तो जनता उनके साथ गई है। जी, बहुत शुक्रिया सुरेंद्र राजपूत जी हिंदी खबर से बातचीत के लिए। तो कांग्रेस क्यों पीछे चल रही है उसका जवाब तो फिलहाल कांग्रेस के पास भी नहीं है, लेकिन हम आपको बड़ी खबर बता दें, लगातार अपडेट भी बता रहे हैं, दोनों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पीछे चल रही है और सपा बसपा गठबंधन कहीं ना कहीं यहाँ कारगर साबित हुई, जो गठबंधन किया गया था वो यहाँ पर कारगर साबित हुआ है और दोनों ही सीटों पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। इसके अलावा अगर निर्दलीय की बात की जाए, आतिक अहमद को 15,855 मत मिले हैं। फूलपुर में 11वें राउंड की काउंटिंग पूरी हो गई है, 11वें राउंड में सपा प्रत्याशी 15,713 वोट से आगे चल रहे हैं। सपा प्रत्याशी नागेंद्र पटेल 12,231 वोट से आगे चल रहे हैं। गोरखपुर से सपा उम्मीदवार प्रवीण निषाद 10,000 वोट से आगे चल रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, केशव प्रसाद मौर्य के फूलपुर से भी बीजेपी पीछे चल रही है। फूलपुर में सपा प्रत्याशी नागेंद्र सिंह पटेल 15,713 वोटों से आगे चल रहे हैं। फूलपुर में समाजवादी पार्टी को 1,22,247 वोट मिल चुके हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, दोनों ही सीटों पर समाजवादी पार्टी फिलहाल आगे चल रही है। गोरखपुर से सपा उम्मीदवार प्रवीण निषाद 10,000 वोट से फिलहाल आगे चल रहे हैं। तो गोरखपुर में भी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी 10,000 मतों से आगे हैं। केशव प्रसाद मौर्य के फूलपुर से बीजेपी पीछे चल रही है। फूलपुर में भी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नागेंद्र सिंह पटेल 15,713 मतों से आगे चल रहे हैं। फूलपुर में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को कुल 1,22,247 वोट मिल चुके हैं। तो अपडेट आपको बता दें, दोनों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पीछे चल रही है, समाजवादी पार्टी प्रत्याशी कई हजार मतों से आगे चल रहे हैं। फूलपुर में सपा प्रत्याशी नागेंद्र सिंह पटेल 15,713 मतों से आगे चल रहे हैं। तो हिंदी खबर पर महा कवरेज लगातार जारी है, उपचुनाव के नतीजे क्या कुछ आएंगे इसके लिए इंतजार करना होगा, लेकिन रुझानों के मुताबिक समाजवादी पार्टी और बसपा गठबंधन काम करती हुई दिख रही है। फूलपुर में चुनाव की काउंटिंग चल रही है और यहाँ पर जिस तरीके से भाजपा की अगर बात की जाए तो भाजपा की एक शाख का सवाल है, क्योंकि जो दोनों एरिया जो हैं वो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी के, इसी पर हमसे बात करने के लिए पर्यटन मंत्री रीता बहुरा जी मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। मैम, गोरखपुर और फूलपुर में भी काउंटिंग चल रही है, किस तरीके से देख रही हैं, किस तरीके से आगे चीज़ें मैनेज होंगी?
देखिए अभी तो 3 लाख वोट के करीब 4 लाख वोट काउंट होने हैं, तो अभी तो बहुत दूर है इलेक्शन, चुनाव तो हम लोग जीतेंगे। अभी ये तो अभी तक कुल वोट पोल्ड 2,39,323, जिसमें भाजपा के हैं 1,08,829, समाजवादी पार्टी के हैं 1,19,427, कांग्रेस के हैं 4,953, अवधेश निषाद के 605, गिरीश नारायण पांडे के 418, महेंद्र कुमार महंता के 366, मालती देवी के 642, राधेश्याम सेहरा के 561, विजय कुमार राय के 466, सरवन कुमार निषाद के 847, नोटा में 2,209, कुल वोट पोल 2,39,323। आठवां का भाजपा को 1,08,829, समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को 1,19,427। सपा तेजी से आगे निकल रही है, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी यहाँ तेजी से आगे निकलते नजर आ रहे हैं। गोरखपुर से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार प्रवीण निषाद 14,600 मतों से आगे चल रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य के क्षेत्र में यानी कि फूलपुर में भी यहाँ बीजेपी पीछे और समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। तो गोरखपुर में समाजवादी पार्टी तेजी से आगे निकल रही है और सपा बसपा गठबंधन यहाँ भी काम करता हुआ नजर आ रहा है और बुआ बबुआ का साथ कहीं ना कहीं यहाँ मिलकर जरूर कारगर साबित हो रहा है। केशव प्रसाद मौर्य की फूलपुर से भारतीय जनता पार्टी पीछे चल रही है। फूलपुर में सपा प्रत्याशी नागेंद्र सिंह पटेल 15,700 वोटों से आगे चल रहे हैं, 15,700 मतों से आगे फूलपुर में सपा प्रत्याशी और समाजवादी पार्टी को कुल 1,22,247 वोट मिल चुके हैं। गोरखपुर में भी समाजवादी पार्टी आगे चल रही है, सपा उम्मीदवार गोरखपुर से प्रवीण निषाद 14,600 मतों से आगे हैं। लगातार हमारे साथ बने हुए हैं मिश्रा जी, जिस तरीके से यहाँ पर रुझान दिख रहे हैं और इसको क्या हम ये कह सकते हैं कि गोरखपुर और फूलपुर में बुआ बबुआ का गठबंधन जो है उसने जो जातीय समीकरण बनाने की कोशिश की वो समीकरण काम कर गया? देखिए मैं आपको बता दूं, अप टू द स्टेट लेवल जो इलेक्शन होता है, स्टेट लेवल और उससे लोअर जो लेवल के जो इलेक्शंस होते हैं वहाँ पे जातीय गठबंधन या एक दूसरे से हाथ मिलाना ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। आप पीछे जाके देखिए, इतना सब कुछ होने के बाद बिहार में केवल एक गठबंधन था जिसने बीजेपी को बड़ी बुरी तरीके से हरा दिया। मेरे कहने का मतलब यह है कि नेशनल लेवल पे जो मुद्दे होते हैं और रणनीति होती हैं वो बहुत काम करती हैं। छोटे लेवल के इलेक्शंस में गठबंधन का एक दूसरे से हाथ मिलाना डेफिनेटली ये समीकरण को जो है टोटली चेंज कर देती हैं और ये बड़ा नेचुरल सा है। अगर आप दोनों का हार्डकोर वोट बैंक देखें, जैसे सपा का बसपा का, मतलब ऐसे वोटर्स जो कि कभी भी इस पार्टी को छोड़ के नहीं जाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए, केवल उस हार्डकोर वोट बैंक को अगर देखेंगे और दोनों ये मिल जाएंगे तो उसका ये रिजल्ट है जो यहाँ दिख रहा है। हालांकि फूलपुर के लिए तो पहले से भी था, क्योंकि फूलपुर में जो 2014 में जीत हुई थी वो आर्टिफिशियल या बाहरी इन्फ्लुएंस के कारण हुई थी, जैसे कि नेशनल मुद्दा था, मीडिया का बहुत अच्छा वो था, उसमें टॉप लेवल के जो लीडर्स थे मोदी जी थे, उनका व्यक्तित्व था अपना, ये सारी चीज़ें थी। यहाँ पर टॉप लेवल के लीडर्स का उतना नहीं है, स्पेशली पक्ष के लिए। विपक्ष के लिए ये इलेक्शंस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये उनके लिए संजीवनी का काम करता है। 3-4 साल से वो एक भी जगह इलेक्शन नहीं जीत रहे हैं तो उनके जो है कार्यकर्ताओं के भीतर पार्टी के अंदर एक उत्साह आता है। हालांकि वो इसको कोरिलेट करेंगे 2019 से, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसको 2019 से कोरिलेट करने का स्ट्रेटजिक वे में कोई मतलब नहीं है, वो वहां पे जाके सारी चीजें बदल जाती हैं, लेकिन फिर भी ये एक सूखे में बारिश के समान जो है विपक्ष के लिए जरूर होती है और उनके लिए बड़े काम की चीज होती है। बिल्कुल मिश्रा जी, यहाँ पर हमने देखा किस तरीके से कौन आगे कौन पीछे, नंबर 1 नंबर 2 पर कौन रहेगा, बीजेपी आगे या बीजेपी पीछे, लेकिन कांग्रेस का नामो निशान नहीं दिख रहा। लेकिन हम लगातार इस पर भी आपसे बातचीत करते रहेंगे और फिलहाल यहाँ पर हम छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के उस पार हम उपचुनाव को लेकर महाकवरेज लगातार जारी रखेंगे।